मैं इस वक्त फ्रांस के कॉर्नर पे हूँ। इसका मतलब ये है कि फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे हूँ। यहाँ से 200 मीटर ठीक इस तरफ, जिस तरफ मेरा कैमरा है, जर्मनी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि मेरा टाइम भी पूरा हो गया था, ड्राइविंग टाइम। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ ट्रक्स खड़े हैं। ये प्रॉपर ट्रक की पार्किंग नहीं है, ये खाली जगह होती थी बॉर्डर पे, तो ट्रक वालों ने इसको एज ए पार्किंग यूज़ करना शुरू कर दिया है। जो फ्रांस की लास्ट पार्किंग एरिया था इस 20 किलोमीटर पहले, वहाँ पे मैंने कोशिश की ट्रक खड़ा करने की, लेकिन वो फुल था, जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर मुझे इधर आकर खड़ा होना पड़ा। असल में ये, जैसे मैंने बताया, बॉर्डर एरिया है। तो आज से 20-22 साल पहले, जब यूरोपियन यूनियन नहीं थी, तो तब सब यूरोपियन ममालिक के बॉर्डर्स होते थे, चेक पोस्ट होती थी। तो यहाँ पे भी चेक पोस्ट थी। जिधर मैं खड़ा हूँ, इधर फ्रांस की चेक पोस्ट थी और थोड़ा सा आगे जर्मनी की चेक पोस्ट थी। तो यहाँ पर चेकिंग होती थी, सब कुछ नॉर्मली जैसे बॉर्डर्स पे होती है। यूरोपियन यूनियन बनने के बाद इन्होंने बॉर्डर्स ख़त्म कर दिए, तो फिर ये जगह खाली हो गई, चेक पोस्ट ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे अब मेरे जैसे ट्रक ड्राइवर्स खड़े हो जाते हैं। अब जैसे कि वो पहले नंबर पे ट्रक खड़ा है, वो लिथुआनिया का है, फिर मेरा खड़ा है स्पेन का, फिर पुर्तगाल का खड़ा है, फिर ये लुक्जमबर्ग का खड़ा है, फिर ये स्पेन का खड़ा है, और ये स्लोवाकिया का खड़ा है। तकरीबन सारे यूरोप में ट्रक्स ट्रैवल करते हैं और सब यूरोप मुल्कों के ट्रक्स एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन हो गए हैं मुझे घर से निकले, तो जर्मनी बॉर्डर पर मैं पहुँच गया हूँ। तकरीबन मैंने 1500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, ठीक है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ कि ट्रक जो होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक तो ये होते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, इसमें कोल्ड स्टोर होता है, कैमरा लगा होता है, जिसके अंदर आपकी खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं इधर उधर से, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है। इसमें टेम्परेचर सेट किया जाता है और अपना चीज़ों के मुताबिक, सब्ज़ी का अलहदा, फ्रूट का अलहदा, आइसक्रीम, मछली, गोश्त, सब कुछ आता है। और इसी तरह का दूसरा ट्रक होता है जिसमें आप कह सकते हैं लूना लगा होता है, या तरपाल जिसे उर्दू में कहते हैं, उसकी साइडों पे लगा होता है, उसमें आप जो मर्जी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जो है वो टेम्परेचर वाला जो होता है कोल्ड स्टोर, वो सिलेक्ट किया है। मेरी फील्ड जो है वो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाना है। उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी सालों से खुद फ्रूट एंड वेजिटेबल के शोबे से वाबस्ता रहा हूँ, और स्पेन एक एग्रीकल्चर मुल्क है, ठीक है। वो पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट करता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो उसका काम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने भी फिर उसी फील्ड को चुना कि मैं कुछ थोड़ा बहुत जानता भी था, और CV बनाने में भी आसानी थी, एक्सपीरियंस था फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के हवाले से, कि कैसे उनको स्टोर करना है, कौन से टेम्परेचर में रखना चाहिए, उनको स्पेनिश लैंग्वेजेस में किन किन नामों से याद किया जाता है और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब कुछ था। तो इस वजह से मैंने कहा कि यही काम ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं पसंद करते क्योंकि ये कमरे का शोर होता है थोड़ा सा, ये नींद को डिस्टर्ब करता है, सोने नहीं देता थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, जब आदत हो जाए तो फिर सब चलता है, और बंदा थका हो तो फिर नींद आ ही जाती है जैसी भी हो। तो ये सारी बातें, ये देखें, ये भी जो कह रहा है, ये जो परली तरफ है इस ग्रीन बेल्ट के, वहाँ पे जर्मनी का था अपना चेक पोस्ट, और यहाँ पे इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे फ्रांस की चेक पोस्ट थी, जो कि अब खत्म हो गई। और अब ट्रकों वाले
मुझ समेत यहाँ पर खड़े हैं। आज भी मैं इधर सारी रात रुकूंगा। मेरा तकरीबन 3 घंटे का सफ़र रह गया है डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए, तो मैं सुबह 5 बजे शुरू करूंगा काम करना और 8 बजे इंशाल्लाह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच के चीज़ें उनके हवाले कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। अगर कोई कमी बेशी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मेरे पास इतना तजर्बा नहीं है इस काम का। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।